अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पिछले कुछ डेज से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है। बाहर तो गर्मी होती है, लेकिन हम लोग रहते हैं एक रूफ टॉप अपार्टमेंट में। इसका मतलब हमारे घर जो है वो बाहर से भी ज़्यादा गर्मी होती है। बैल्कनी हमारी है तो छोटी सी, लेकिन यहाँ पर मैं एक टब में थोड़ा सा पानी डाल के इजना को बिठा देती हूँ कि इतनी गर्मी है तो यहाँ पर पानी में खेलती रहे। इजना भी इस एक्टिविटी को इंजॉय करती है और मैंने पीछे से जितने काम करने होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। आज भी जितनी देर वो बाहर पानी में खेल रही थी, मैंने अपना और इजना का आउटफिट रेडी कर लिया, क्योंकि आज हमने जाना था एक पार्टी पे। आज क्योंकि 14 अगस्त है, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाएं। हम लोग रहते तो जर्मनी में हैं, इवन मैं तो यहाँ पैदा भी हुई हूँ, बट स्टिल हम लोग बेसिकली हैं तो पाकिस्तानी और हमें अपने होम कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार भी है। तो इस वजह से हम लोग शुरू से इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो तो ऑब्वियसली सबके सामने ही है, बट आज के दिन जो है बंदा एटलीस्ट जो पॉजिटिव बातें हैं बंदा वो याद करे। वाइट ड्रेस के साथ ये होता है कि बंदा कोई सा भी कलर कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइट ग्रीन दुपट्टा था, एक डार्क ग्रीन था, और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से मैं कौन सा पहनूँ। ज्वेलरी के साथ तो डार्क ग्रीन अच्छा लग रहा था, बट वैसे ही मैंने अपनी दोस्त से पूछा तो उसे लाइट ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं दोनों दुपट्टे लेके चली गई। मैंने कहा लेट्स सी मैं कब जाके ही डिसाइड करूँगी। और ये पार्टी थी मेरी खाला की तरफ, तो उनकी तरफ हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी जाना था। जो गेस्ट है उन्हें हम लोगों ने टाइम दिया था शाम 7 बजे का, और ख़ुद हम लोग फिर थोड़ा सा जल्दी चले गए थे। वैसे तो 3 बजे जाना था, लेकिन हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि मुझे इजना को रेडी करना था, ख़ुद रेडी होना था, और ऊपर से इब्तिसाम की भी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी। तो इस वजह से फिर हम लोग तकरीबन 4 बजे उधर पहुँचे। यहाँ इसने अपने शूज़ उतरवा रही है मेरे से। उससे जब से हम लोग कैनेडा से आए हैं ये आदत पड़ गई है कि कार में बैठते साथ उसने कहना है कि मेरे शूज़ जो है वो उतारे, क्योंकि वहाँ पे जब हम लंबे सफ़र पे गए थे, अमेरिका गए थे, तो मैंने उसके शूज़ उतारे, तो मैंने कहा ये इसना थोड़ा इजी हो जाए। और बस तब से उसे ये आदत पड़ गई है कि जब भी कार में बैठना है तो सबसे पहले शूज़ उतारने हैं। सो मैं जब खाला की तरफ पहुँची तो वो उस वक्त स्वीट डिश रेडी कर रही थी। हाँ, और हम लोगों ने डिवाइड किया था सब पे कि कौन क्या लेके आएगा, लाइक चिकन कौन लेके आएगा, कीमा कौन लेके आएगा। तो कीमा जो है वो हमारे हिस्से में आया था। मैंने क्योंकि सिर्फ बारबेक्यू जो है वो अटेंड किया है, ख़ुद मैंने कभी बारबेक्यू नहीं किया, तो इस वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कबाब जो है वो कैसे लगाने हैं। और इस वजह से फिर मैं कीमा ऐसे ही ले आई थी खाला की तरफ। मैंने कहा कि खाला खुद ही मैरिनेट कर लेंगी, लेकिन वो उस वक्त फिर ऑब्वियसली इतना बिजी थी और हम लोग भी थोड़ा लेट गए थे, तो फिर कीमा जो है वो एंड पे रह ही गया। मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का भी सामान लेके गई थी, तो मैंने कहा कि जब जहाँ हम लोगों ने बारबेक्यू करना है वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं और एक अच्छा सा फ़ोटो स्पॉट भी बना लेते हैं। स्वीट डिश अब रेडी हो चुकी है, इसे अब हमने रखना है फ्रिज में, और ख़ुद हम लोग फिर बाहर निकले। हमने कहा अब देखते हैं गार्डन में कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमने बारबेक्यू करना है, किस तरह से हम लोग डेकोरेशन करें। अब शुक्र है बाहर जो है वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा था, अब थोड़ी हवा भी चल रही थी और बहुत परफेक्ट वेदर हो गया था बारबेक्यू के लिए। सो यहाँ पे अब हम लोगों ने अपना बारबेक्यू स्टार्ट कर लिया है। हमारे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं, और ये टेबल जो है हम लोगों ने एक्चुअली रखी थी फिंगर फूड के लिए, लेकिन हमारी स्वीट डिश जो है वो फ्रिज में ही रहेगी, और जो हमारी ड्रिंक्स थी वो भी हमें याद ना रही कि हमने वो यहाँ पे रखनी है, क्योंकि स्वीट डिश भी हमारी ग्रीन एंड वाइट थी और ड्रिंक्स जो थी वो भी ग्रीन कलर की थी। तो इस वजह से हमने सोचा था कि ये एक छोटा सा फूड टेबल होगा जिसपे हम ग्रीन एंड वाइट आइटम्स रखेंगे, और अपना बारबेक्यू वाला टेबल हम दूसरा वाला अलग से एक और टेबल था उस पर हम लोग बारबेक्यू का सामान रखेंगे। सो ये हम सबके लिए वैसे फर्स्ट टाइम ही था कि हम खुद से बारबेक्यू जो है वो कर रहे हैं, या तो ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं, कुछ जो है वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुके थे, तो फिर शुरू में हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बट फिर शुक्र है फाइनली मैनेज हो गया। वरना मैं तो ये भी सोच रही थी, मैंने कहा कि अगर अब हमारा बारबेक्यू का प्लान फेल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बट शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारा कुछ था भी बहुत मज़े का। बस एंड पे हमें यही हुआ कि हमारे कबाब रह गए, कबाब होते तो और ज़्यादा मज़ा आना था। और इन सब चीज़ों के साथ सैलड था, चटनी थी, नान थे, और म्यूज़िक था, और एक डांसिंग इजना थी। इजना को वैसे बहुत नींद आ गई थी। जब से हम लोग कनाडा से आए हैं इसकी रूटीन जो है वो सेट ही नहीं हो रही। अब ऐसा है कि एक दिन वो नैप लेती है और अगले दिन फिर वो नैप नहीं लेती, तो आज ऐसा दिन था जिसमें उसने नैप नहीं लिया। बस उसका भी थोड़ा सा नींद का टाइम ओवर हो रहा था, तो इस वजह से हमने म्यूज़िक लगा दिया, क्योंकि म्यूज़िक के साथ उसका मूड थोड़ा बहुत जो है वो ठीक रहता है।
अब ऑब्वियसली सबको भूख भी लगी थी, तो यहाँ पे हमारा मीट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो जब हम लोगों ने पहला राउंड सर्व किया, एकदम से म्यूज़िक बंद हुआ और इतनी खामोशी होगी सब खाने में लग गए, तो फिर हमें फील हुआ कि सबको वैसे कितनी भूख लगी हुई थी। और खाना था भी बहुत मज़े का और हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया। और शाम भी पड़ गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी हो रहा था और अंधेरे में और ज़्यादा मज़ा आ रहा था बारबेक्यू का। साथ हम लोगों ने कैंडल्स ऑन की हुई थी तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बना था। इज़ना भी यहाँ पे चिल कर रही है और इसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने इज़ना को सुला दिया क्योंकि उसकी नींद का टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। खाना अब सबने खा लिया था, अब बारी थी स्वीट की। यहाँ पे स्वीट डिश जो है वो सर्व हो चुकी है। ट्राइफल खाला ने बनाया था, रसमलाई मेरी फ्रेंड लेके आई थी और तिरामिसू भी जो मेरी फ्रेंड्स आई थी वो लेके आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो गई थी फिर, लेकिन थोड़ी थोड़ी सब ने ट्राई की और सब कुछ बहुत मज़े का था। फिर इतना खा लिए के बाद में हमें वॉक की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब एक राउंड जो है, गार्डन इतना खुला सा है, फ़ायदा है, यहाँ पर एक राउंड लगा लेते हैं। वैसे तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने अब घर जाना था, लेकिन खाला ने आइडिया दिया कि कॉर्न खाते हैं और मुझे ग्रिल वाली कॉर्न जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकी। हम लोग वैसे काफ़ी फुल भी थे उस वक्त, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम लोग ये खा के जाएंगे। हम लोग फिर काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, हमने इतनी बातें की, जितनी देर कॉर्न जो है वो बन रही थी उतनी देर हम लोगों ने इतनी बातें की क्योंकि अब आग भी जो है वो थोड़ी कम हो गई थी, तो हीट भी थोड़ी कम थी, तो इस वजह से कॉर्न को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हमें फ़ील ही नहीं हुआ। हमने इतनी बातें की, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड को घर ड्रॉप किया और ख़ुद भी मैं घर आ गई, और जो घर पर मैंने इतना मेस क्रिएट किया हुआ था जाने से पहले, वो उसकी सफाई की, क्योंकि 14 अगस्त के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, इतने ग्रीन ड्रेसेस थे, तो एंड पे मैं फिर निकाल के देख रही थी कि शायद इनमें से कोई पहन लूँ, लेकिन फिर मेरी दोस्त ने जो चूज़ किया था मैंने वही पहना, और साथ आई मेकअप मैंने ग्रीन कर लिया था ये पैलेट यूज़ करके। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।